सर जी पीवाईक्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, बोलो पीवाईक्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, पीक्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, पीक्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, पीवाईक्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, पीवाईक्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, पीक्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, पीक्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, ऐसी संख्याओं को परिमेय कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय कहा जाता है, सारी भिन्न पूर्णांकों को रूप यही मिलता है, सारी भिन्न पूर्णांकों को रूप यही मिलता है, नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या कहा जाता है पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, पी बाई क्यू के रूप में जिसे लिख सके हम, पी क्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, पी क्यू हो पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, ऐसी संख्याओं को परिमेय कहा जाता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय कहा जाता है, सारी भिन्न पूर्णांकों को रूप यही मिलता है, सारी भिन्न पूर्णांकों को रूप यही मिलता है, देना जितनी पूर्णांक होती है सब पर में होती है, जैसे फाइव पूर्णांक है ना इंटीजर है ना, फाइव को क्या लिख सकते हैं फाइव बाय वन, सेवन क्या है पूर्णांक है ना, सेवन को सेवन बाय वन, इसलिए कहा जाता है सारी भिन्न पूर्णांकों को रूप यही मिलता है, याद हो गए सबको, याद हो गए फिर से क्या पी बाई क्यू के रूप में पी बाई क्यू के रूप में पूर्णांक लेकिन क्यों ना हो जीरो, ऐसी संख्याओं को